मित्र पुलिस के दो कांस्टेबल को मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में चुनावी सभा को किया संबोधित। राहुल गांधी ने जागेश्वर विधानसभा के दनिया में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा ने चुनाव आयोग से बड़ी शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की और इस बार राशन कार्ड से नहीं कर पाएंगे मतदान। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस और वक्त हो गया उत्तराखंड की इन खबरों को विस्तार से जानने का। जीटू के दौरान अदम्य साहस दिखाने और अपनी जान पर खेलकर 6 जिंदगियां बचाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। दरअसल 5 जुलाई 2019 की रात्रि देहरादून के एक घर पर आग लगने की सूचना मिली थी। घर के अंदर विक्रांत कुमार, उनकी पत्नी, उनके दो बच्चे और बुजुर्ग माता पिता फंसे थे। आग लगने की सूचना पर चीता मोबाइल ड्यूटी में नियुक्त कांस्टेबल फैजान अली और कांस्टेबल राजेश कुंवर तत्काल मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना ही दोनों कांस्टेबल उन्हें अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से 6 लोगों की जिंदगी सकुशल बचाई थी। इस साहसिक कार्य के लिए कांस्टेबल फैजान अली और राजेश कुंवर को प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर स्थित एनआईटी के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने गढ़वाली में सबसे पहले अपना संबोधन शुरू किया। जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गढ़वाली भाषा में अभिवादन के साथ अपने भाषण की शुरुआत की तो कार्यक्रम तालियों से नारेबाजी से गूंज उठा। पीएम ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में मैं देवभूमि आया। देवभूमि की माटी को माथे लगाने का मन था। बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं यहाँ सीधे चला आया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल रूप से संवाद में भी मेरा मन उत्तराखंड में रहता था। पिछली लोकसभा में खुद का चुनाव होने के बावजूद मुझे बाबा केदार ने बुलाया और मैं चला आया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के दनिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहाँ राहुल गांधी ने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री की नीतियों को घेरा और उन पर सवाल दागे। उन्होंने बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और 3-3 मुख्यमंत्री बदलने जाने पर घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं। ये कहा कि प्रधानमंत्री को जनता को जवाब देना ही होगा। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री किस कारण बदले हैं। जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि जनता के हितों के लिए कांग्रेस संघर्ष करते आई है। राहुल गांधी को सुनने के लिए पूरे विधानसभा से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से बड़ी शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संपर्क प्रभाग के संयोजक राजीव शर्मा ने बंटू ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को पत्र देते हुए मांग की है कि 5 फरवरी को जब मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन में हो चुका था, इसके बावजूद 2000 से अधिक नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी बेहद गंभीरता से लिया है और जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए 24 घंटे में एक्शन रिपोर्ट तलब की है। राजीव शर्मा ने बताया कि कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही या किसी का जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र हो सकता है। उन्होंने मामले में चुनाव आयोग से ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर इस बार राशन कार्ड से मतदान नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य फोटो पहचान पत्रों से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल ने बताया कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, तब भी आप अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे में आपको फोटोयुक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त विभागीय पहचान पत्र, बीएलओ द्वारा दी गई मतदाता पर्ची जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आप अपना वोट दे सकेंगे। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।